gamers, my name is Abu. Welcome back to another new episode of Planet Zoo. In the last episode, gamers, आप सभी को याद होगा हम लोग हमारे जू के अंदर एक छोटे से प्यारे से पोलर बियर को लेके आए थे एंड ये उस पोलर बियर का एक बहुत प्यारा सा बेटा है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में बिल्ड करा था और आज के एपिसोड में हम एक बहुत मजेदार चीज बनाने वाले हैं एंड वो एक ट्रेन स्टेशन है। ट्रेन स्टेशन का मतलब हम यहाँ पे कहीं पे हमारे जू के अंदर एक ट्रेन स्टेशन लगाएंगे जहाँ पे लोग ट्रेन की मदद से पूरा हमारे जू को विजिट कर सकते। इसको भूख लगी है, न्यूट्रिशन इसका 0% है। ओ भाई 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 भाई, तो उसको मुझे जल्दी से ना गाइस खाना यहाँ पे खिलाना पड़ेगा। हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, भाई स्टाफ किधर गया? मैं जल्दी से ना यहाँ पे गाइस स्टाफ को बुला लेता हूँ, नहीं तो भाई ये मर जाएगा। आई थिंक जब से इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ना, इसको खाना बिल्कुल भी नहीं मिला है, तो इसको अभी खाना देने के लिए मैं क्या करूँ? यहाँ पे ऑटोमेटिक फीडर वगैरह तो मैंने ऑलरेडी लगा रखे। ये कीपर यहाँ पे खाना बना रहा है, भाई जल्दी से यार ये खाना लेके पोलर बियर को दे दे। आई थिंक ये पोलर बियर को ही खाना लेके उन्होंने यहाँ से चला जाएगा लेके। देखो इसने यहाँ पे कुछ मीट को कट करा था और ये इसने यहाँ पे खाना क्रिएट किया। ओ भाई मतलब तो कीपर ऐसे खाना बनाते हैं। तो इसने देखो अभी इस बकेट के अंदर खाना भर लिया है एंड आई थिंक अभी ये जल्दी से ना पोलर बियर को जाके खाना दे देगा। वैसे जा किधर है पोलर बियर? या उधर ही जा रहा है गाइस। देखो अभी ये भागते भागते में भी पोलर बियर के पास ही जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फाइनली गेमर्स, कीपर यहाँ पे खाना लेके आ चुका है हमारे पोलर बियर के लिए। जल्दी भाई जल्दी जा और उसको खाना दे दे, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आ जा। अभी देखो वो जाके उसको खाना दे देगा। अभी मुझे ये चेकआउट करना है कि खाना कैसे खाते हैं हमारे पोलर बियर। इसने खाना इसके अंदर डाला है, देन पोलर बियर को खाना कैसे मिलेगा? ओके थोड़ा इसके अंदर डाला एंड बाकी के भी जो फीडर्स है उसके अंदर भी आई थिंक वो खाना डाल देगा। ये एक फीडर है, इसके अंदर भी इसने खाना डाल दिया, तो दो फीडर्स के अंदर इसने खाना डाल दिया। अभी यहाँ पे हमारा पोलर बियर सूंघ भी रहा है। वो ये इसको इसे घुमा रहा है और देन उससे खाना नीचे गिर गया और फाइनली गाइज इसके भी भूख मिट जाएगी। तो फाइनली हमारे पोलर बियर को खाना मिल चुका है। बट अभी सबसे बड़ा भाई प्रॉब्लम ये है कि ये जो कीपर है इनको खाना लेके बहुत दूर से आना पड़ रहा है, दैट्स वाई ये पिनो पोलर बियर को मतलब टाइम टाइम खाना नहीं मिल रहा था। तो मुझे यहाँ पे आई थिंक अभी एक और ये बनाना चाहिए, एक और कीपर का हट लगाना चाहिए ताकि यू नो इधर से इनको खाना मिल सके। तो यहाँ पे मैं फैसिलिटीज में आके एक और कीपर का हट यहाँ पे लगा देता हूँ। स्मॉल कीपर हट गाइज मैं यहाँ पे लगाने के सोच रहा हूँ, जस्ट हमारे ये इसके साइड में लगेगा। देखिए वो मैंने यहाँ पे कीपर हट लगा दिया है, आई थिंक इसी के अंदर खाना बनता है ना। हाँ देखो अभी यहाँ पे इसी के अंदर खाना बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो कीपर्स है वो आके खाना बना देंगे हमारे पोलर बियर के लिए, मतलब इधर जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए। तो मैं जल्दी से ये हमारे नए कीपर हट को यहाँ पे वर्क जोन के अंदर ऐड कर देता हूँ। एनिमल डाइड, ओ जीब्रा की डेथ हो गई है। अरे भाई साहब, सुमा नाम के जीब्रा की डेथ हो गई है, उसके लिए रिप सुमा लिख दो कमेंट्स में भाई। एक और कीपर को ये मैंने यहाँ पे हायर कर दिया, लेट्स गो। इसके अंदर अभी तक कितने डोनेशन आया? $0 अभी कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैंने इतने सारे डोनेशन बॉक्सेस लगाए बट नो वन इज डोनेटिंग मनी, आई डोंट नो व्हाई। मे बी मुझे अभी एक और पोलर बियर को उन्होंने लेके आना पड़ेगा, जिसके ज़्यादा कंजर्वेशन क्रेडिट्स होते हैं, जो महंगे में मिलता है वो वाला। अगर वो लेके आ गए हम लोग तो मे बी यहाँ पे उसको ज़्यादा लोग देखने के लिए आएंगे। ज़्यादा कंजर्वेशन क्रेडिट वाला पोलर बियर यहाँ पे एक भी नहीं मिल रहा है, मेरे को वो चाहिए था। अगर मैं उसको लेके आऊँगा ना तो उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा आएंगे हमारे जू में, बट अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। तो मे बी थोड़ी देर में ना यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आज हमको जो चीज़ करनी है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। आज हमको एक रेलवे का स्टेशन बनाना है, ट्रेन स्टेशन। अब ये मोनो रेल है, एग्जैक्टली हमारे मतलब सिटी स्कैलेस में थी वैसी ही रेल है, वैसी ही ट्रेन है ये। बट इसको बनाएंगे कहाँ पे? आई डोंट हैव एनी आइडिया। इसको बनाएंगे मतलब ऐसे जगह पे बनाना जहाँ से उन्होंने ये चारों तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ये ट्रेन स्टेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये इसकी ऐसी लाइन बनेगी। ओके समझ गया मैं। तो ये यहाँ से आई थिंक ये ऐसे ना दौड़ना वगैरह ऐसे शुरू कर देगी। इसके अंदर वैसे 6 लोग में भी बैठ सकते हैं एक साथ। ओके बट इसको बनाते कैसे भाई? अगर इसको यहाँ से ऊपर लेके जाना है तो हाँ नाइस। और इसका लेंथ वगैरह ओके, हम यहाँ से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसका एंगल वगैरह ठीक है। और ये इसका स्टेशन है। सबसे पहले ट्रेन का ट्रैक ऐसे किसी एक हैबिटेट के साइड में बनाते हैं, देखते हैं वो कैसे काम करता है एंड देन हम बाकी के देखेंगे ठीक है। तो इधर एक मैं ट्रेन का ट्रैक ऐसे बनाने की सोच रहा हूँ हमारे क्रोकोडाइल के साइड में, यहाँ पे भी लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। एंड देन ऊपर वाला जो रोड है इस ये वाला रोड फिर मैं हटा दूंगा इधर से, ये वाले रोड की फिर इधर कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द रोड्स मैंने इसे हवा में ही बनाए हैं। तो ये वाला जो ब्रिज है इसको मैं पूरा यहाँ से तोड़ने की सोच रहा हूँ। हाँ ये वाला पूरा ब्रिज यहाँ से हटेगा जस्ट लाइक दिस और यहाँ पे हमारा ट्रेन चलेगा। मतलब जहाँ जहाँ पे अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा ब्रिजेस लगाए थे ना हमारे गेम में, तो वो ब्रिजेस में पूरे अभी यहाँ से हटाने की सोच रहा हूँ। और आप लोगों ने भी काफ़ी सारी कंप्लेंट करी थी कि भाई तू हर जगह पे ब्रिजेस ही बनाता है, बहुत सारे ब्रिजेस बना दिए तूने। तो अभी से हम क्या करेंगे कि थोड़े से रोड्स ब्रिज के जगह पे हम ट्रेन्स लगाएंगे ताकि लोग ट्रेन से भी ट्रैवल कर सके। ये मैंने इधर का गेमर्स पूरा ब्रिज अभी हटा दिया है
तो नाउ अभी हम यहाँ पे हमारा ट्रेन मोनोरेल का स्टेशन रूट बिछा सकते हैं, उसके लिए हमको वापस आना पड़ेगा ट्रेन में। हाँ जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा आई थिंक नीचे लेके आते। ओके हाँ नाइस, ये यहाँ तक आएगा। ओ भाई 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 बहुत सही। तो देखो यहाँ से हमारा ऐसा मोनोरेल चलेगा जो कि लोग इसको भी इजीली यहाँ पे मगरमच्छ को देख सकते थे ना, और सामने की तरफ आएगा और सामने की तरफ आएगा। नाइस भाई, ये ब्रिज से तो ये मेरे को बेटर लग रहा है, और ये यू नो ऐसा ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसको हम इधर से अभी इधर रोटेट करेंगे, थोड़ा सा और रोटेट करेंगे। इतना ही रोटेट होता है क्या? इधर का भी मैं ब्रिज हटा दूंगा देन, डोंट वरी। थोड़ा सा, अरे इतना ही रोटेट होता है ये, ठीक है। तो इधर भी बनाते, और अभी इधर से सीधा इस तरफ हम सीधा बनाएंगे। ओके या जस्ट लाइक दिस, ये और भी सामने की तरफ आएगा। मैंने उसको ज़्यादा कुछ ऊंचा नहीं बना दिया, बट आई थिंक इतना सही है या इतनी भी हाइट ठीक रहेगी। A few moments later. इस गेम में सीरियसली मोनोरेल या ट्रेन के ट्रैक्स बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिटी स्कायलाइंस में तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट अभी बहुत मेहनत करने के बाद ये मैंने इसका जो रूट है वो कंप्लीट कर दिया है। और इधर जो हमने रूट बनाया था उसको मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक उसके लिए ना मुझे यहाँ पे एक अलग सा स्टेशन ही ऐड करना पड़ेगा। बट एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये जो रूट है। आई होप ये इसको कनेक्ट हो जाए। लास्ट टाइम ना कनेक्शन नहीं बन रहा था, तो मैंने मतलब लगभग इसके ऊपर आधा घंटा लगाया, तब जाके अभी मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये मतलब मोनोरेल यहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा एडिट ट्रैक कर सकते हैं, तो ये वाला ट्रैक एडिट करके प्लीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो जा। बट ये कनेक्ट नहीं होगा, आई मीन व्हाट्स द प्रॉब्लम आई डोंट नो। देखो अभी ये यहाँ पे अगर मैं ऐसा इसको लगाऊंगा तो ये इसको नॉर्मली कनेक्ट हो जाना चाहिए ना, मतलब प्रॉब्लम क्या है? कनेक्ट हो जा भाई, बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चला गया ना, ऐसा ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, इसके लिए मुझे अलग सा स्टेशन ऐड करना पड़ेगा। भाई प्लीज़ कनेक्ट हो जा, और अगर यहाँ से मैंने ऑटो कंप्लीट कर दिया तो भी नहीं हो रहा है, तो आई थिंक मुझे गाइस इसके लिए एक अलग सा ही स्टेशन लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पे हम एक स्टेशन लगाएंगे। ओके स्टेशन हमारा गेमर्स लग चुका है यहाँ पे, और अभी ये इसको यहाँ पे कनेक्ट होगा। अभी ये कंप्लीट हो गया इधर, एंड मुझे एग्जैक्टली इसका कनेक्शन अभी इधर करना पड़ेगा। ये कनेक्ट इसको होगा, यहाँ पे भी ऑटो कंप्लीट करते हैं। ओ हो गया फाइनली गेमर्स, अभी हमारा जो ट्रेन का रूट है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा अजीब है बट इट्स ऑल राइट, हमने यहाँ पे ये कर दिया। फिर भाई यहाँ पे ये बनाने की फिर क्या ज़रूरत थी? इधर का ट्रेन स्टेशन आई थिंक मुझे फिर तोड़ना पड़ेगा, या इधर का जो स्टेशन है गेमर्स उसको डिलीट कर देते हैं अभी पूरी तरीके से, क्योंकि दूसरा ही स्टेशन इधर हमने बना दिया जस्ट लाइक दिस। और इधर जो इसके पैथ वगैरह बनाए थे ये भी हमको यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो इनको भी यहाँ से जल्दी से डिलीट करते हैं। ये यहाँ पे हमारा स्टेशन अभी लग चुका है, और अभी बस यहाँ पे मुझे लोगों के जाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको अभी इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमको प्लेस एंट्रेंस एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये एंट्रेंस इधर रहेगा और एग्जिट इधर रहेगा, ठीक है। तो एंड अभी इसको कनेक्ट एंट्रेंस टू पाथ, ये क्या होता है? ओके हाँ समझ गया मैं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो भी यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस हमारा इधर से आएगा फिर। ओके कनेक्शन हो गया यहाँ पे, एंड अभी जाने वाला कनेक्शन मुझे इधर से कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आई थिंक एक एम्प्लॉय भी आ गया। ओह हमारा ही एम्प्लॉय आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी इधर से बाहर जाने के लिए हमको दूसरा पैथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये नॉर्मल पैथ आता है आई थिंक, या ये पैथ बाहर जाने के लिए नीचे से, हाँ ऊपर से आप ये जाओगे, और इसको अभी हम नीचे लेके जाएंगे ऐसा। इधर के रोड को मैंने यहाँ पे इस वाले ब्रिज पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि नीचे से हमारा यू नो स्टाफ का रोड है, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो फाइनली हमारा जो रूटिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय भी आ गया जो लोगों से टिकट लेगा, एंड आई थिंक हमारा यहाँ से ट्रेन अभी चलना शुरू हो जाएगा। आई होप ये चलना शुरू हो जाए। अभी इसका एप में भी टेस्ट करना पड़ेगा हमको, इसका टेस्ट रन करना पड़ेगा। हाउ टू रन दिस टेस्ट, यहीं से कहीं से रन करना था, हाँ स्टार्ट टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, जब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ये यहाँ से आई थिंक शुरू होना, आई मीन ये काम करना शुरू कर देगा। तो भाई जल्दी से दौड़ना, हाँ देखो इसने दौड़ना शुरू कर दिया। हम इसका सिनेमेटिक व्यू नहीं ले सकते क्या? पता नहीं, एक काम करते हैं गेम का स्पीड बढ़ाते ताकि ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। ओ भाई देखो वो कितना तेज जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसकी लेंथ टोटल 347 मीटर है, ठीक है। देखो ये ऐसा पूरा रूट ऐसा घुमा के ऐसा इधर की तरफ से इधर आएगा, गेम का स्पीड नॉर्मल करते हैं, एंड आई थिंक टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। यस टेस्टिंग आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, अभी हो गया, बस बस स्टॉप टेस्ट। यस फाइनली गेमर्स देखो टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से ये धुआं वगैरह निकल रहा है, मीन यू नो फटाके वगैरह फूटे, इसका मतलब टेस्टिंग कंप्लीट है। हमारा ये मोनोरेल अभी ओपन हो चुका है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आपके भाई ने यहाँ पे मोनोरेल खड़ी कर दी है, एंड आई थिंक यहाँ पे लोग आएंगे, बस मैं ये देखना चाहता हूँ लोग कैसे आते हैं। और इसका टिकट वगैरह हम कैसे करेंगे? यहाँ से टिकट मैनेज कर सकते हैं, ओपन है मोनोरेल, टिकट मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। या ये हम यहाँ से $2.5 लेंगे लोगों से,
और इसका कलर वगैरह, ओह हम ट्रैक का कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं, रेड लिया तो वो दिस इज सो कूल। देखो ये नीचे वाले खंभे रेड हो गए एंड देखो यहाँ पे लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। ओ भाई बहुत सही, एक बार इसको सिनेमैटिक व्यू में देखते हैं भाई। देखो लोग इसके अंदर दो टके बैठ के चले गए, सारे के सारे बच्चे ही है, टोटल आई थिंक 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं एंड इसने चलना शुरू कर दिया। ओ भाई काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, वेरी नाइस। अभी लोग इसको कुकड़े को लेकर चारों तरफ से एंड अगर दूसरे लोग आते तो आई थिंक दूसरी कार्ड भी आई है, इनको वेट करना पड़ेगा, आई थिंक इनको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ भाई क्योंकि एक ही कार्ट है यहाँ पे। अरे यार तो यहाँ पे हम बड़ी ट्रेन नहीं लगा सकते क्या भाई एक साथ ऐसी, जो अगर बड़ी ट्रेन आएगी तो ना मज़ा आएगा, बट इट्स ओके अभी यहाँ से ट्रेन दौड़ रही है, इनकी बारे में भी बाद में आएगी। और अभी यहाँ पे जितने भी मैंने डोनेशन बॉक्सेस लगाए थे उन डोनेशन बॉक्सेस को यहाँ से हटा देते हैं, इनका भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ओ वेट राइट कैमरा का ऑप्शन है हमारे पास। ओ भाई ये देखो हम यहाँ से राइट का कैमरा भी ले सकते हैं, मतलब इसके अंदर बैठने से कैसा लगता है भाई, बहुत सही है, मतलब इसका हम सिनेमेटिक व्यू ले सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ का ऑप्शन होता है। तो देखो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर पर आवर है और ये भी इन लोगों की सेकेंड राइड कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे मैं भी काफ़ी सारे हैबिटेट्स की भी जगह पे उन्हों मोनरेल कैसे लगाना चाहिए। अभी मैं थोड़े से गाइस एनिमल्स को बेचने की सोच रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स अभी हमारे जू में हो चुके हैं और ये स्कॉर्पियन भी भाई कितने सारे स्कॉर्पियंस से कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो यहाँ पे हम 2-3 स्कॉर्पियंस को रखेंगे, बाकी के स्कॉर्पियंस को बेचेंगे। फिर ये पिकॉक्स तो भाई इतने सारे हैं कि भाई क्या ही बताऊँ मैं, कुछ पिकॉक्स को भी यहाँ से बेचने की कोशिश करते हैं। देन थोड़े से एलिफेंट्स को भी मैं बेचने की सोच रहा हूँ, पेंगुइन्स तो हम रिलीज्ड वाइल्ड करते हैं, ये थोड़े से कॉकरोचेस है इनको भी थोड़ा सा बेचते हैं। देन कंगारूज को भी थोड़ा सा आई थिंक अभी बेचना चाहिए क्योंकि उनसे भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे हमको। और काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स हैं, इनको भी बेचने की कोशिश करते हैं। क्विक ट्रेड अभी देखते हैं, इनमें से हमको $12,000 काफ़ी सारे अच्छे खासे पैसे मिल गए इधर से, 4-5 क्रोकोडाइल हमने बेच दिए एंड बाकी के जो एनिमल्स हैं वो छोटे छोटे हमारे वो भी बेच दिए। और देखो यहाँ पे भाई कितने सारे लोगों की भीड़ लगी है, अरे भाई एक साथ अगर इतने कम लोग ट्रैवल करने के तो भाई यार ये बिज़नेस हमारा अच्छा नहीं चलेगा यार फिर, मतलब एक साथ बस 6 लोग यहाँ पे राइड ले सकते हैं हमारे इस कार्ट का। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है लोगों की, वाओ काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है भाई, नाइस। तो यहाँ पे आके लोग खाना वगैरह खा सकते हैं, मेरे पास वैसे 2-3 होटल है तो हम यहाँ पे 2 होटल्स तो आज लगा ही देंगे। तो एक होटल ये वाले एरिया में रहेगा, या इधर ही रहेगा क्योंकि लोग इधर से आते, ये वाला उनका स्पॉन पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा एक होटल रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक होटल को जल्दी से लगा देता हूँ, एक होटल मैंने यहाँ पे लगा दिया $8,000 में एंड दूसरा ये $9,000 का होटल है वो हम यहाँ पे लगाएंगे एग्जैक्टली इधर इच, या यहाँ पे लगाते हैं दूसरा। तो मैंने 2 होटल्स को गेमर्स यहाँ पे लगा दिया है, दिखने में भी ये बढ़िया लग रहे हैं। वैसे इसके अंदर लोग आएंगे क्या खाना खाने के लिए, ले मैं चेक अंदर। ओ वेट अंदर ये शॉप्स है इधर, हाँ नाइस। अभी बस मुझे यहाँ पे रोड के कुछ कनेक्शंस करने पड़ेंगे ताकि लोग यहाँ पे आके खाना वगैरह खा सके। तो देखो अभी जू देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है अभी, दो बड़े बड़े होटल्स आ गए और ये होटल के अंदर कितने लोग हैं वैसे, कितने शॉप्स हैं, लेट मी चेक यहाँ पे कितने शॉप्स है भाई। अभी यहाँ पे तो एक भी शॉप नहीं है, लोगों ने भी यहाँ पे होटल के अंदर आना शुरू भी कर दिया। अभी जस्ट होटल बनाया था हमने, लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया जो कि अच्छी बात है। अभी हमारी जू में बारिश हो रही है एंड बारिश में होटल बढ़िया लग रहा है, इसके अंदर लाइट्स वगैरह लगी है एंड दूसरा होटल आई थिंक चमक रहा होगा, हाँ ये भी वैसे अच्छा ही लग रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे लोग जा रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं एंड हमारा ये राइड कैसे चल रही है, राइड आई थिंक अंधेरे में भी चल रही होगी, वही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है लोगों की यहाँ पे। अरे भाई यार मुझे एक और स्टेशन लगाना पड़ेगा आई थिंक, बट अगर ज़्यादा स्टेशन मैंने लगाए तो हमारा गेम लैग हो सकता है, मतलब ऑलरेडी लैग हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि और भी ज़्यादा ये लैग हो जाए। एक बार एनिमल्स को देखते हैं, मुझे लास्ट टाइम वैसे एक राइनोसॉरस को उनको लेके आना था, उसका भी हैबिटेट पूरी तरीके से खाली पड़ा है। तो या थोड़ी सी आज मैं राइनोसॉरस के लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो ये आते हैं उसके हैबिटेट में, यहाँ पे राइनोसॉरस करते हैं। 2 राइनोसॉरस हमको लेके आने पड़ेंगे, एक फीमेल है इसको अडॉप्ट करते हैं एंड एक मेल है इसको भी अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 राइनोसॉरस आ जाएंगे, तो इनको हम जल्दी से आज से सेंट टू जू करते हैं, सेंट टू जू। और इनका हैबिटेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे राइनोसॉरस भी आएंगे और मुझे ज़्यादा राइनोसॉरस को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी हैबिटेट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आ सके, नहीं तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो रोड्स वगैरह बनाए ना वो बस ऐसे ही है, यहाँ पे कोई भी आता नहीं है। एंड वैसे भी हमको ये भी जमीन का भाड़ा देना पड़ता है, सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अपने पैंडास के पास जाके देखते हैं जब तक हमारे राइनोसॉरस उसके हैबिटेट में आ जाएंगे। पैंडास क्या कर रहे हैं अभी, तो ये सो रहा है, सोशल इसका थोड़ा सा कम है। वैसे यहाँ पे 2 पैंडास थे जहाँ तक मुझे याद, हाँ दोनों भी है भाई, ये दूसरा है तो ठीक है, 2 ही पैंडास है भाई, तुम लोग भी नहीं 3 है। ओ भाई इनका एक बच्चा भी आ गया, एक और बच्चा, लेट्स गो। तो भाई पैंडास की भी ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इसका, वैसे यहाँ पे कितना रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है वैसे, 8,000 भाई। ये जब बड़ा हो जाएगा ना इसको इसको रिलीज वाइल करने से हमको काफ़ी सारे कंजर्वेशन क्रेडिट्स मिलेंगे। लेट्स गो गेमर्स, फाइनली वापस से हमारे जू में राइनोसॉरस आ चुका है इसका। ओ ये स्नेहा नाम है इसका, पूरा टोटली इंडियन नाम है,
तो स्नेह आ चुकी है उसके हैबिटेट में, एंड ये दूसरा मेल राइनोसोरस भी आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये एक और आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, अभिमन्यु नाम है इसका, डेंजरस फाइटिंग फॉर अल्फा स्टेटस। कहाँ पे? अरे भाई, ये लायंस के यू नो बेस में फाइटिंग चल रही है, क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ पे फाइटिंग चल रही है? किधर भाई? ये तो इसके बच, ओ यहाँ पे, ओ नो, लड़ाई नहीं, मारामारी नहीं भाई, मारामारी काहे कर रहे हो तुम लोग। ओके, तो इसका सिम्बा, सिम्बा नाम है, तो इसको मैं अभी बेचने की सोच रहा हूँ। फिर इसको देखते बेच के कितने पैसे मिलते हैं सिम्बा को, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स को बेचने से काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, और ये तो भाई लायन है। लेट्स सी इसको बेचने से कितने पैसे मिलते हैं। अगर अच्छे खासे पैसे मिल गए तो हम इसको बेच देंगे सिम्बा। नहीं, हम किसको, अरे यार इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। वाह, इसको ट्रेड किया तो कितने मिलेंगे, लेट मी चेक। वो भाई $9,000 लायन को बेचने से भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो यार कुछ क्विक ट्रेड कर देते हैं, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे हमको। ओ भाई भाई भाई, ये बहुत सही है। मतलब जितना ज़्यादा यू नो ऐसा कंजर्वेशन क्रेडिट वाला एनिमल रहेगा ना, उसको बेचने से काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। हाथी को ट्रेड करने से कितने मिलेंगे? इनको भी 10,000 तो मिलेंगे। ओ भाई साहब, तो लायंस और हाथी को बेचने से, ट्रेड करने से हमको काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो भाई अच्छी बात है, तुम लोग और भी ज़्यादा बच्चे पैदा करो, बहुत अच्छी बात है। और ये जितने ज़्यादा यहाँ पे आएंगे हमारा, उतने लिए यू नो उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये राइड कैसे चल रही है? राइड भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। हमारे हिप्पो का हैबिटेट कैसा चल रहा है? आई थिंक हिप्पोज हमारे पास अभी एक भी नहीं है क्या? अरे यार, सारे हिप्पोज की आई थिंक डेथ हो गई है। अरे भाई साहब, नहीं नहीं, एक हिप्पो है, ये हिप्पो ही है ना? हाँ एक ही है, ये अभी यहाँ पे पानी के अंदर सो रहा है। अभी पानी के अंदर सो रहा है गधा? और वैसे ये मेल है, तो मुझे एक फीमेल को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हिप्पोज भी हमारे जू में बहुत कम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एनिमल ट्रेडिंग में वापस से आते हैं, और अभी हिप्पो को भी एक बार यू नो लेके आते हैं। हमारे पास हिप्पो भी होना चाहिए। जो मैंने हिप्पोज को ऑर्डर करा था वो हिप्पोज आ गए क्या? ओह, हिप्पोज की डिलीवरी यहाँ पे शेड्यूल हो चुकी है। तो टोटल मेरे पास एक तीन फीमेल्स है, या तीन फीमेल्स है, एंड यहाँ पे इनका सोशल ग्रुप में कुछ इशू चल रहा है स्पेस का। इनको थोड़ा सा एरिया कम पड़ रहा है, देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में भी हम हिप्पोज का ये वाला जो हैबिटेट है वो भी उन्होंने चेंज कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इनको थोड़ा सा क्राउडिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है। एक बार अपने पेंगुइन्स को देखते हैं, इनका क्या चल रहा है। वैसे पेंगुइन्स की आजकल पॉपुलेशन कम है यार, ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। और ये क्या चीज़ है भाई इनको खाने के लिए? नहीं, ये रबर टक है मुझे लगा कोई खाने की चीज़ है। और एक बार देखते हैं राइनोसोरस का क्या चल रहा है। राइनोसोरस भी आई थिंक यहाँ पे खुश लग रहे होंगे। एक बार पे देखते हैं एंडिशमेंट कैसा चल रहा है हमारे राइनो का। राइनो भैया क्या कर रहे हैं? स्नेहा नाम था एक राइनो का। इसका न्यूट्रिशन, अभी न्यूट्रिशन का इशू है क्या? भूख लगी है। लास्ट ड्रिंक, ओ ड्रिंक, पानी पीने का। ओ यहाँ पे मुझे आई थिंक एक पानी का ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी ख़राब है इधर का। एक सेकेंड भाई, जल्दी से यहाँ पे मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देता हूँ, या यहाँ पे ज़रूरत ही गाइस वैसे। तो यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इसको मिलेगी ना? या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, कोई इशू नहीं। तो मैंने यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, तो भी आपका पानी क्लीन होगा। हमारे राइनो को यू नो एकदम क्लीन पानी चाहिए पीने के लिए। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम यहाँ पे कुछ एकदम प्यारा सा हैबिटेट बनाएंगे। और मुझे किस चीज़ का हैबिटेट बनाना चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर दो। हमारा जू देखने में देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है। एंड अगर आपके कुछ आइडियाज़ है, सजेशन से मुझे और जू में क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर सजेस्ट कर दो। और आप इंस्टा पर भी मैसेज करके बता सकते हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।